कमेंट बॉक्स में वेलकम बैक हार्दिक लिखना ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल तीसरी एक दिवसीय मैच में विजय शंकर की जगह हार्दिक पांड्या का खेलना तय माना जा रहा है। तो वहीं विराट कोहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हार्दिक जैसा ऑलराउंडर अभी भारतीय टीम के पास नहीं है और उनके आने से टीम काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो कहा जाता है कि तीसरे एक दिवसीय मैच के बाद जब विराट कोहली टीम से हटेंगे तो हार्दिक के आने से कहीं ना कहीं टीम को मजबूती मिलेगी। तो वहीं कल भारतीय टीम चाहेगी कि 3-0 की अजेय बढ़त लेके 5 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया जाए। तो देखना यह है कि कल हार्दिक पांड्या जब उतरेंगे मैदान पे तो कैसा कर पाते हैं प्रदर्शन, क्योंकि कॉफी विद द करण के बाद कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से काफ़ी दृढ़ता के साथ प्रैक्टिस किए हैं और देखना है कि वो अपने पुराने परफॉर्मेंस में लौट पाते हैं या नहीं।